अगला सवाल है अपने पास सनसेरा इंजीनियरिंग के बारे में। जहीर साहब पूछ रहे हैं कि सनसेरा इंजीनियरिंग पर आपका नजरिया क्या है। जहीर साहब, अगर थोड़ा सा और आप बताते कि आपने खरीद लिया है या खरीदना चाहते हैं, तो उस हिसाब से और बेहतर, ज्यादा स्पेसिफिक तरीके से, ज्यादा आपकी जरूरत के मुताबिक जवाब दिया जा सकता है। लेकिन फिलहाल अभी सुमेश, इसे देखकर क्या लग रहा है आपको? मोस्टली कंसोलिडेशन में है अभी, बहुत ज़्यादा क्लैरिटी इससे ज़्यादा नहीं मिलेगी आपको। फंडामेंटली मैं ट्रैक नहीं करता हूँ, कोई आइडिया नहीं रहेगा। अब होगा ये कि इसका मेन 200 DMA से बहुत अच्छा डिमांड क्रिएट तो हुआ है, तो अब जब तक 200 DMA, या आप ये कह लीजिए कि जब तक ये 700 710 के नीचे क्लोज नहीं होता है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब 800 के ऊपर क्लोज होगा तो इसको बेटर रन भी मिले। तो 100 पॉइंट का मुझे फिलहाल रन ये रेंज लग रहा है, और इस रेंज के इधर साइड निकलेगा तो फिर इसमें इसका फ्रेश रन शुरू होगा, उसके पहले इसमें रेंज में मूवमेंट रहेगा। जी, तो 700 या 800, इन दोनों में से किसी एक लेवल को इसे तोड़ना है, उसके बाद अगले इसकी चाल तय होगी। ज्यादा संभावना आपको सुमेश क्या लग रहा है, 700 के नीचे फिसल कर कोई बड़ा करेक्शन देने की, या 800 के ऊपर निकल करके नई चाल पकड़ने की? वॉल्यूम इतना ज़्यादा नहीं है कि ये डिसीजन लिया जा सके अभी, तो 800 के ऊपर क्लोज होने में अगर वॉल्यूम आता है तो हो सकता है कि ये बेहतर लगेगा। क्योंकि हो क्या रहा है यहाँ पे कि यहाँ पे हायर हाई का स्ट्रक्चर भी बन सकता है और लोअर लो का भी स्ट्रक्चर बन सकता है। फ्यूचर भी थोड़ा सा फ्यूचर बेरिश है, लेकिन इतना स्ट्रांग सिग्नल नहीं है कि मैं इसको कंप्लीट फ्यूचर बेरिश ले पाऊँ, तो इसलिए 800 क्रिटिकल हो जाएगा। बिकॉज 800 अगर नहीं निकला और 700 टूट गया तो फिर लोअर हाई लोअर लो कंफर्म, फिर तो उस केस में ये नीचे चलेगा और उसके बाद 700 के बाद 20% भी आराम से गिर जाएगा। लेकिन 800 जब तक नहीं निकलेगा इसकी रीडिंग भी बहुत मुझे क्लियर नहीं है, तो अभी रेंज बाउंड ही लेके चलना है। और कहीं किसी भी तरह से बहुत ना मोमेंटम पे क्लैरिटी है ना स्ट्रेंथ पे क्लैरिटी है बहुत ज़्यादा। जी, तो जहीर साहब, मोटी मोटी बात यही कि 700 से 800 के रेंज के अभी अंदर है, कंसोलिडेट कर रहा है, या एक तरह से रेंज बाउंड, एक दायरे के अंदर बंधा हुआ कारोबार इसमें चल रहा है। दोनों में से किसी एक तरफ 700 टूटे या 800 टूटे तो फिर नई चाल बनेगी। 700 गिरा तो फिर अच्छा खासा 20% तक भी नुकसान हो सकता है, और यदि 800 के ऊपर चला, वॉल्यूम के साथ चला, तो फिर नई मजबूती इसमें आ जाएगी। तो आपने चूंकि बताया नहीं कि आप पहले से इसको खरीद चुके हैं या खरीदना चाहते हैं, तो उसके हिसाब से अब आप निर्णय कीजिए। आपके सामने एनालिसिस रख दी गई है।